नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्णा, राम राम और राधे राधे। तो थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे मौका बोलने का भी मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी किसी मीटिंग में चला जाता हूँ, मतलब मैंने लीडर्स को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मुझे अपनी मीटिंग में ऐड कर दे, क्योंकि जब चांस मिलेगा मैं आके उनकी बातें सुन सकता हूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि कम्युनिटी में क्या चल रही है, जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ काफी लोग होते हैं और पॉसिबल नहीं है, टाइम कम होता है। तो कल मैं एक मीटिंग में गया था, थैंक्स टू टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू वेरी मच। और उनको नहीं मालूम था कि मैं हूँ, उनकी बातें मैंने सुनी, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा, मुझे लगा कि वाकई हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसको हम सब लोग मिलकर फेस कर रहे हैं, और सब तैयार फेस करने के लिए, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, या मैं भाग नहीं गया हूँ, मैं हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम्स आती हैं हर कंपनी में, जैसे कल मैंने बोला था FTX दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके उनके 500 मिलियन का हैकिंग हुई थी उनके यहाँ भी, तो उनसे बड़े तो हम नहीं है, अगर वैसे लोग भी खेल सकते हैं, वो कभी लौट के नहीं आए, हम तो स्टिल हैं, हम तो यहाँ हैं, वापस आ गए। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो एक बार उनके साथ खराब हो गया वो चली गई है। और मुझे मालूम है आप लोग का डर है कि इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां खुलती हैं, चली जाती हैं, एक बार कुछ केस हो जाए वो उसके बाद वो गायब हो जाती है। और हमारा तो बेस बहुत स्ट्रांग है, हम गायब ही नहीं हो सकते, हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये बात का बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला या होगा, वो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, और बहुत और उनके साथ जितने भी जुड़े हैं उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है। अब देखिए, आज एल बैंक में भी प्रॉब्लम आ गई है। एल बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है, मतलब कि लिस्टिंग कंपनी है, अब हमने वहां भी रजिस्टर किया हुआ है। तो प्रॉब्लम आने का ये मतलब नहीं होता है कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये सब चीज कंप्यूटराइज है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, इसलिए मैं और बहुत ऐसी चीजें हैं। लोग कुछ एक और बात सुनी, लोगों ने कहा कि सर कहते हैं गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है। मैं जो कह रहा हूँ गुड न्यूज आ रही है, इसका मतलब कुछ कुछ तो आ रहा है। अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, वही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ ऐसी चीज आ रही है जो मैंने मैंने अपने तरफ से सारा काम कर दिया, मैं वेट कर रहा हूँ सिस्टम का। सिस्टम मतलब मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा सिस्टम क्या है, और उनका वेट कर रहा हूँ। उनका अप्रूवल आते ही मेरे ख्याल से हम लोग के 90% प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, जो हमारी अभी समय चल रही है, जो लीडर फेस कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ लीडर की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, मगर इस समय जो हमें करना है सही से करना है, प्रेशर मार के नहीं करना है, गलत नहीं करना है, और अच्छे तरीके से करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मगर टाइम मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको शायद आज नहीं कल कभी भी ये बात का एहसास होगा कि किसी कंपनी के साथ गड़बड़ हो जाए, और एक हफ्ते या 10 दिन में, 10 से 15 दिन में फिर से खड़ी हो जाए, फिर से आ जाए स्ट्रॉन्गली। ये बहुत कम कंपनी में पॉसिबल है, ये हमने करके दिखाया है, मैंने नहीं करके दिखाया, ये ऊपर वाले ने करके दिखाया है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को इतना प्यार है, इतना प्यार, इतना विश्वास है। तो हमें प्रॉब्लम आई तो ऊपर वाले ने हमारे पास हेल्पर भेज दिए, ऐसे ऐसे हेल्प भेजे जो मैंने सोचे भी नहीं थे कि ये हेल्प कभी मुझे लाइफ में मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं कि मुझे लगता आने वाले समय में हम इतिहास बना देंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा मेरे को बोलते हुए, क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐसे लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि व्हेन विल द रीस्टेक स्टार्ट। रीस्टेक तभी स्टार्ट होगा जब हमारा जो सिस्टम आ रहा है, सिस्टम आ जाने दीजिए। मैंने बोला कि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, हमारे तरफ से सब तैयारी हो गई है, ये जो लीगल जो चीजें होती हैं जिसके वजह से हमारे हाथ में नहीं है, हम उनका वेट कर रहे हैं, वो अप्रूव कर दे, आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। जिस दिन वो आपको सिस्टम मिल जाएगा, उस दिन आप सब कुछ देख सकते हैं, आप रिस्टेक कर सकते हैं। विड्रॉ कब स्टार्ट होगा, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन विल द विड्रॉ स्टार्ट। विड्रॉ भी उसी समय स्टार्ट करेंगे हम जिस दिन हमारा सिस्टम आ जाएगा। व्हेन विल BCC2 बी कॉइन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट CC2। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को जो लगता है कि आपस में क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यस हमारे नए सिस्टम के साथ, नए सिस्टम में ये पॉसिबल होगा, पीयर टू पीयर भी आप कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन ला टोकन से है कि ला टोकन से कब होगा, तो ला टोकन से हम आप जानते हैं ला टोकन कितना एफिशिएंट है, हर काम इतना डिले टिपिकल तरीके से करता है कि मुझे भी बहुत डर लगता है उनके साथ काम करने में। तो कल हमने रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग अरेंज करके पूरा इसको क्लियर करें, लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कॉइन, हमने तो अपने तरफ से सब कुछ दे दिया उनको,
वीकेंड बताइए, इतने बड़े कंपनी है और वीकेंड वीकेंड बनना रहे हैं, उनके पास कोई लोग नहीं है कि जो हमें रिप्लाई करे। उनसे उम्मीद क्या रखे जब हमारे साथ उन्होंने इतना बड़ा गलत किया, सबके साथ किया, हमारे साथ नहीं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके साथ गलत नहीं हुआ उनके वहाँ जाके। वो तो क्या डिफरेंट टॉपिक है, उसमें मैं आगे कभी बात करूंगा जब ये थोड़ा सेटल हो जाए। और रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा? सबसे पहले हम लोग आ जाए, प्रॉपर तरीके से आ जाए, आप लोग अपना सब कुछ जो चीज था अभी तक का, अभी तक जो भी आपकी अर्निंग बनी है वो आप देख ले, मुतमिन हो जाए। रजिस्ट्रेशन तो कभी भी चालू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर न्यू रजिस्ट्रेशन मैं चाहूंगा कि पहले हमारी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। वी हैव टू फाइट स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करना है। और मैंने ये भी सुना था, लोगों ने मीटिंग में कहा कि सर कह रहे थे कि 3 दिन, उसके बाद 10 दिन 15 दिन। हाँ, मैंने ऐसे बोला था ऑन बेस ऑन जो मुझे बताया गया था, और बहुत सी चीजें फिर मुझे लगी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जो मैंने बोला था 10 दिन के अंदर होगा वो हुआ था, एल बैंक में हम आए थे, मगर मैंने इन्फॉर्मेशन ये नहीं बताया था कि मैं 10 दिन क्यों मांग रहा हूँ। 10 दिन मैंने इसलिए मांगा था कि मैं हम लोग एल बैंक में आ जाएंगे, जो आने के बाद ही मैंने इन्फॉर्म किया। अब मेरी पॉलिसी यही है, कोई चीज़ भी इन्फॉर्म मैं पहले नहीं करूँगा, चाहे आप लोग कितना नाराज हो, कितना गुस्सा हो, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी रन करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इन्फॉर्मेशन मैं अगर पहले दे देता हूँ तो उसका गलत फायदा उठाया गया है और हमने सफर किया है। तो अब मैं आप लोग की नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कंपनी को सफर नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन और भी था कि मैनेजमेंट में लगता है कुछ कमी है। डेफिनेटली वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं है, कमियां हैं, हमारे में भी कमियां हैं, हर कंपनी में कमियां होती है, पर हमने जरूर सुधार किया है। अब हमारे कंपनी में काफी सुधार हुई है, काफी चीजें नई चीजें आई हैं जो आप लोग को आने लगे समय में, जो आज आप नाराज हैं हम लोग से, मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा सारे लोग नाराज हैं, कुछ लोग नाराज हैं कि ऑब्वियसली उनको डर है, डर। आप, मैंने ये बोला कि आप अगर आपका जो कॉइन पहले से जो आपने स्टेक किया हुआ या रिस्टेक जो भी किया हुआ वो तो वहीं पे है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल उसका लुक चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आपके रोज बन रहे हैं, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। पर जब सिस्टम आ जाएगा, जब आप देख लेंगे, तो मुझे मालूम है बहुत से लोग हर बार हड़बड़ी में गलत इन्फॉर्मेशन टिकट रेस करेंगे। प्लीज आप ठीक से चेक करने के बाद ही रेस करिएगा। और सपोर्ट भी बहुत अच्छी सपोर्ट टीम बनाई है हमने, जो आपका सपोर्ट रहेगा। और CRM हमने लॉन्च किया है जिसमें आप टिकट रेस कर सकते हैं, पहले की तरह कुछ भी नहीं है, हर चीज हमने चेंज किया हुआ है। और कल मैंने बोला था आप लोग से पहले भी, शायद 1-2 दिन पहले बोला था कि काफी कॉपीज आ गई हैं, जब लोगों को देख लोगों ने देखा कि हम थोड़े ट्रबल में जा रहे हैं तो लोगों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। और आज थोड़ी सी एक और चीजें मालूम चली हैं कि कुछ हमारे जो पुराने साथ काम कर रहे थे वो आप फिर से जो छोड़ गए, जो उन्होंने हमें बीच में छोड़ के चले गए, उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट उनके नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की उन्होंने कॉल किया हमारे लीडर्स को, मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आप उन्हें कुछ भी दे देंगे वो हिलने वाले नहीं है। हमारी ऐसी टीम है, और वो वही टीम है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, जिन्होंने आज सबको कॉल किया है, हमारे लीडर जानते हैं, शायद आप लोग कोई बात पहुंच रही है, वो वही लीडर है जिन्होंने मजाक उड़ाया था कि सर बच्चों को लेके आ रहे हैं ये क्या करेंगे। और वो बच्चों ने इतना बड़ा कर दिया है कि लोग अब हमें कॉपी करके उनको फोन कर रहे हैं। ये मेरे लिए प्राउड है, आई रियली फील प्राउड कि हमने जिनसे स्टार्ट किया, जिनको लोगों ने जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, आज वो उन्हीं के साथ लगने चाहते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कि हम जब स्टार्ट करने जा रहे थे कि हम गिर गए, फिर से हम उठे हैं, संभले हैं, आपकी बार ठीक से जाएंगे, ठीक से चलेंगे, और शायद बहुत जल्दी आपके साथ जो आपको न्यूज बोलने में, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को सुनने में नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अगर कोई लोग उदास हो तो उनको अच्छी न्यूज अच्छी नहीं लगती। तो मैं आपको न्यूज ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि शायद इस कमिंग वीक हम लोग, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम लोग नॉर्मल हो जाना चाहिए। ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, पर ये मेरा मानना है, हमने अपने तरफ से सारा काम कर दिया, हमारे तरफ से कोई चीज भी रुका नहीं है। क्यों मैं आपको दिखा नहीं सकता, यही प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की वजह से, मरना मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को दिखाओ मैंने क्या किया, क्या वेट कर रहे हैं। मुझे खुद लगता है दिल से बहुत इच्छा होती है, पर हमारे लीडर्स अब सब लोग मुझे रोकते हैं, कहते सर अब ये वो समय नहीं है कि आप इमोशन होकर सब चीज लोगों को दिखाएं, अब जैसे आप सीक्रेटली तौर से काम किया जाए ताकि लोगों को पता भी लगे क्या हो रहा है और हो जाए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरे ख्याल से हम लोग क्या आज जिस जो सब उदास हैं उनको लोग सुना रहे हैं, जिस दिन हम वापस आ जाएंगे ना उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसे पहले लोग कुछ लीडर्स के मजाक उड़ाते थे कि हमें यार 2000 कॉइन दे दो, 4000 कॉइन दे दो, हैं हमारे लीडर को जानते हैं, तो लोग कहते थे वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। जिस दिन हम एल बैंक में आ गए वो लीडर ने जाकर को कहा आप अगर बूता है तो खरीद लो, तुम 2000 मांग रहे थे 3000 मांग रहे थे 5000, वो सडनली गायब हो गए।
तो ये ऐसा है, ये हम ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को गिरा के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पर हमारा कोई ये हमारा मकसद ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अभी भी कहते हैं, मैं मैसेज भी डालता हूँ कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, आप एक बास्केट में सारे अंडे ना रखें कि अगर वो बास्केट टूट गया तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगे, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ भी जुड़े, किसी को छोड़ के ना आए, जिस टीमों में आप जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करें, अगर उनसे आपको फायदा है तो काम करें। और बस मैं यही कहूंगा कि सब मिलके ही आगे बढ़ सकते हैं, किसी कोई एक दूसरे का पैर खींचेगा ना तो। वही कहावत एक है कि इंडियन केकड़ा और चाइनीज केकड़े में डिफरेंस क्या होता है, जो चाइनीज केकड़े होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, बांध के रखते हैं, क्योंकि एक अगर जाता है तो सब खींचते हैं। जो इंडियन केकड़े होते हैं उनको खुला नहीं, उनको खुला छोड़ देते हैं, क्यों? अगर एक बढ़ रहा होता है तो लोग उसे खींच खींच कर देते हैं, तो उसको भी जाने देते हैं। ये किसी कंट्री की बात नहीं है, ये कहावत है, मैंने जो पढ़ा है वही मैंने शेयर किया है। अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं हमारे साथ टीम में। तो खींच के कुछ हैं केकड़े जो आपको खींचने आएंगे, तो ये आपकी आपकी इच्छा है, आपकी आपका अपना फाइनेंशियल डिसीजन है, मैं किसी को तो मना नहीं कर सकता ना करूंगा। और बस अगर आपने इतना दिन वेट किया है तो थोड़े समय वेट कर ले, अगर अच्छी चीज चाहिए तो थोड़ा समय और वेट कर ले, शायद कमिंग वीक हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत टाइम लिया। मैं कम्युनिटी आपसे यही कहूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू ऑल। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, ये बहुत रेयर होता है। कोई कंपनी में ऐसा हो जाए तो कंपनियाँ चली जाती हैं। मैं आज खड़ा हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग की दुआएं की वजह से। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने दुआएं भी की हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने मीटिंग में सुना है कि लोग दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए, तो शायद वो दुआई काम आ रहा है। सिस्टम तो आएगा जाएगा, मगर दुआ जो एक बार जिसको लग जाती है ना, जैसे बद्दुआएं कभी नहीं जाती है, वैसे दुआएं भी कभी नहीं जाती है। तो आप सबका दुआ मेरे साथ है, हम आप ट्रस्ट रखिए, मैं भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ, मैं आता रहूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं ठीक से लेके आऊँ हर चीज को। थैंक यू वेरी मच, लव यू एवरीवन। लक्ष्मी जी, बैक टू ओवर टू यू प्लीज।